Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Crick Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. सबसे I think प्रभात के पिछली मैच में ट्रम्पल मेन ने जो ट्रैम्पल कर दिया स्कॉटलैंड को, जैसा कि मैंने कहा था, शाहीन अफरीदी वाला काम किया इन्होंने। तीन विकेटे ले ली पहले ही ओवर में, सारी हवा ही निकाल दी, जो स्कॉटलैंड का जो पुग्गा था उसकी सारी हवा निकाल दी करके ऐसे हो गया बेचारा। वीरू देखो यही कैसे, कैसे किसका नाम लिया जाएगा, कौन कैसे, इसका जवाब देगा, कैसे कैसे भाई है मेरे, जब तक मैं बोलू ना तब तक नहीं बोलते, कितने स्वीट नहीं। वैसे तो आपके दोनों भाई जो है बोलने में नहीं रुकते, लेकिन आप ट्रम्पल में नमीबिया में जब जा रहे हैं ना तो ऐसा है कि यार बहुत उधर से ना स्विंग हो रही है, ये खेलने तो अच्छा है नॉन स्ट्राइकर पे बेटर है, क्योंकि ट्रम्पल मैन ने भी ना उससे बड़ी स्विंग कराई है, उन्होंने ऐसे स्विंग कराई शाहीन अफरीदी से ज्यादा। सही बात है, सॉरी नहीं सही बात, ट्रम्पल मैन ने कमाल की गेंदबाजी की है, मतलब और ये मतलब मैंने बहुत पुराने टाइम से देखा, चाहे वसीम अकरम हो, चमिंडा वास हो, जो जो लेफ्ट आर्म जहीर खान, आशीष नेहरा, जो जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आए हैं ना, उनके शुरुआती दौर में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, जब जब उनका अंदर आता है ना तो बड़े बड़े बैट्समैनों को उन्होंने आउट किया है। तो मेरे ख्याल से ट्रम्पल मैन ने भी वही शायद काम किया है कि उनकी जब गेंद अंदर आती है ना तो फिर वो अनप्लेएबल टाइप हो जाते हैं, जैसे शाहीन अफरीदी, उन्होंने जो केएल राहुल को गेंद डाली थी वो भी कमाल की गेंद थी, गुड लेंथ पर पड़ी, अंदर आई, तो बहुत कम बल्लेबाज है जो एडजस्ट कर पाते हैं अपने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जब उनकी गेंदें अंदर आती है, तो इसलिए दिक्कत होती है वहां पर बल्लेबाजों को। जैसे राइट आर्म फास्ट बॉलर अगर अच्छी आउटस्विंग डालता है, कोई लेफ्टी आगे आ जाए तो फिर वो भी फंस जाते हैं बैट, तो मेरे ख्याल से और जब नई गेंद से आप करते हो और स्विंग आपकी अच्छी हो रही होती है तो तब चाहे कितना ही बड़ा बल्लेबाज हो उसको भी थोड़ा संभल कर खेलना पड़ता है, तो कमाल की गेंदबाजी रही आई थिंक ट्रम्पल मैन की। और लेफ्ट हैंडर तो मतलब एक के बाद एक लेफ्ट हैंडर, हमारे यहाँ पे दो लेफ्ट हैंडर हैं भाई, जहीर खान और आशीष नेहरा, और दोनों को हमने अलाउ नहीं किया है, आज नहीं आए हैं शो पे क्योंकि ऑलरेडी नमीबिया में इतने लेफ्ट हैंडर हैं, हमने सोचा सारे राइट हैंडर ही रहेंगे यहाँ पे, तो ना बैलेंस बना रहेगा आज भाई। हाँ भाई, तीन तीन, एक के बाद दो, दो का एक फ्री लिंक है, उसके बाद एक है, फिर जे स्मिथ साहब है, ये तीनों ही है, लेकिन इसमें नंबर वन तो ट्रम्पल मैन है, क्योंकि जिस तरह से उनका गेंद ना वीरू ने बताया ना कि स्विंग जब वापस आए ना राइट हैंडर को, तो चाहे पेस 120 की हो 125 की हो, वो एक ऐसा एक एंगल बनता है कई बल्लेबाजों के लिए कि वहां पे ना मुश्किल होती है सबको, क्योंकि अगर स्विंग हो जाए तो दिक्कत, क्योंकि विकेट पे आके लग जाती है, और कई बार क्या होता है कराने की कोशिश कर रहे होते हैं ये लोग, वहां से सीधी निकल जाए तो वो कीपर और स्लिप पे चली जाती है, तो वो एक लेफ्ट आर्म सीमर का वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है खासकर राइट हैंडरों के लिए।